हम किसी हत्यारा को, किसी भ्रष्टाचारी को, किसी कातिल को, जालिम को, तानाशाह को बचाने वाली पार्टी नहीं है। हम जमीन से जुड़े हुए जमीन के लोगों की पार्टी है। और जमीन में आप फंस जाओगे, जमीन से टकराओगे, तो ना मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अभी वक्त है कि आप आइए, साथ दीजिए। आप यहाँ समझिएगा कि ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे, घबरा जाएंगे, इनको हम थकाएंगे, ललाएंगे, फकाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। हमारा आंदोलन और तीव्र होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हम आपको घर से नहीं निकलने देंगे। अगर आप जनता को निकलने के लायक नहीं बनाएंगे तो हम आपको घर से नहीं निकलने देंगे। हम आपको घर में कैद होने पर मजबूर कर देंगे। आपके इस बेईमानी, इस घटियापन, इस निकम्मापन, इस जन विरोधी, इस जालिमाना, क्रूर निरंकुश का जो घमंड का जो आपने महल बनाया है, जो भ्रष्टाचार का महल बनाया है, जो अनियमितताओं का महल बनाया है, हम उसको पैर जमीन में मिला दिए, पैर नेस्तनाबूत कर दिए। हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ लाल इन्टरटेनमेन्टको यो विशेष प्रस्तुतिमा। आज नै गतिविधिहरू लिएर आएका छौँ र तपाईँलाई हाम्रो यो प्रस्तुति मन पर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब उतै गएर थाहा हुन्छ होला, होइन त? ल ल ल ल, ठिक छ ठिक छ। सरासर जानेगा भाइ, सरासर जानेगा। गाउँपालिका छ, जम्प 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 माने जम्प जम्प माने जम्प क्यामेरा myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. यो त हेर अभि अर्गानिक कुरो भएन अब नेपाल देश के लिए ऐसे कलंकित, ऐसे आरोपी लोगों को कांग्रेस पार्टी उठा के सत्ता में बैठा देती है ताकि तुम जनता का खून चूसो, जनता पे शोषण करो, जनता का शासन करो। इसलिए हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको, आप हमारी मांगों को, अभी हमारे किसी एक पूर्व वक्ता साथी ने कहा था कि आप किसी एक मांग को दिखा दीजिए जो जनता से सरोकार ना रखता हो, हम उस मांग को छोड़ देंगे। आप बता दीजिए, क्या जनता की आवाज उठाना गुनाह है? जनता की आवाज नेकपा एमाले नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगी? वो पार्टी उठाएगी जो भ्रष्टाचार में, जो 16-16 लोगों को भट्ठा में झोंकने वाली, झोंकने वाले उम्मीदवार को बचाने वाली पार्टी है। आप भट्ठा में झोंक दीजिए, भट्ठा में जिंदा जला दीजिए, कांग्रेस पार्टी आपको बचा लेगी। आप खुलेआम हत्या कर दीजिए, कांग्रेस पार्टी आपको बचा लेगी, अध्यादेश लाके बचा लेगी, मंत्री परिषद से बचा लेगी। हम किसी हत्यारा को, किसी भ्रष्टाचारी को, किसी कातिल को, जालिम को, तानाशाह को बचाने वाली पार्टी नहीं है। हम
पार्टी है और जमीन में आप फंस जाओगे, जमीन से टकराओगे। तो ना मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अभी वक्त है कि आप आइए, साथ दीजिए। आप यह मत समझिएगा कि ये लोग थक जाएंगे, हार जाएंगे, घबरा जाएंगे, इनको हम थकाएंगे, ललाएंगे, फकाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। हमारा आंदोलन और तीव्र होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। हम आपको घर से नहीं निकलने देंगे। अगर आप जनता को निकलने के लायक नहीं बनाएंगे तो हम आपको घर से नहीं निकलने देंगे। हम आपको घर में कैद होने पर मजबूर कर देंगे। आपके इस बेईमानी, इस घटियापन, इस निकम्मापन, इस जन विरोधी, इस जालिमाना, क्रूर निरंकुश का जो घमंड का जो आपने महल बनाया है, जो भ्रष्टाचार का महल बनाया है, जो अनियमितताओं का महल बनाया है, हम उसको पैर जमीन में मिला दिए, पैर नेतनाबूद कर दिए। हम चैन से नहीं बैठेंगे। आपको पहली चेतावनी दे रहे हैं कि आप मान जाइए, नहीं तो फिर आपको और सशक्त रूप से सामना करना पड़ेगा। यही कहते हुए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आइए रोड पे और टुड़वा में कम से कम एक रोड बना दीजिए जिसपे जनता महसूस करे कि हमारे गांव पालिका के वजह से ये सड़क बनी है। एक स्कूल बना दीजिए जिससे जनता महसूस करे कि हमारे गांव पालिका ने स्कूल बनाया है। हमारी बहनें पढ़ लिख नहीं पा रही है, उनके लिए कन्या स्कूल बना दीजिए जिससे महसूस हो कि हम महिलाओं की शिक्षा पे आप ध्यान दे रहे हैं। आप अपनी संपत्ति पे, अपने परिवार बात पे, अपने भाई भतीजा बात पे, अपने भाई को सेटल करने में बजट दो, बजट दो, लेकिन जो मांग है वो मांग का तो बताइयो। और ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन आपके खाली टेलर हो, पूरी कहानी अभी बाकी है। हमारे लोग शांतिपूर्ण आंदोलन है, कोई इमा हमका लोगों का ऐसा आंदोलन नहीं है। आज यहाँ सुरक्षा कर्मी के मित्र साथी लोग हैं, उनका भी हम एक चीज कहा चाहिए थे, गांव पालिका के चिट्ठी से अगर आप लोग कोई बल जब्ती काम करे गई हो तो वह के जिम्मेदार आप लोग हुई हो। अगर जिला प्रशासन के चिट्ठी आप लोगों का आवत है तो आप लोग जई हो, और हम लोग सीधे प्रतिकार हुआ करेंगे कि आपका जिला प्रशासन के आदेश है कि नहीं। आप यदि दुर्वासी को आवाज सुनिए ना, यदि दुर्वासी को विरुद्ध भाइयों गांव पालिका रही राजा बने, एक भी दुर्वा का जनता ले जो प्रशासनिक भवन लाई कब जागर ले जा, याद रखने वाला जो प्रशासनिक भवन में बस रहे प्रशासन की अधिकृत देगी सुपा सपा रफ्यू सपा, याद मेरो ज्यान यस्तो थिचिङ थियो भनेदेखि एकदम रनिङ सुनिङ गर्ने योगा सोगा एक्सर्साइज गर्थ्यो र हुनुहुन्छ एकदम ज्यान पनि एकदम टक्क छाती उठेको पेटभित्र पसेको एकदम भिकट भयो एकदम ज्यान भइकन एकदम खुबसुरत देखिन्छ भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले यो टिकटकले गर्दाखेरि यो 4-5 महिनाभित्रैमा एकदम भात खाँदा खाँदा आउने सुन्ने 15 मिनट हौ टिकटक मात्र बनाउने गरिकन मेरो ज्यानै बिग्रेको भन्नुहुन्छ र साथमा नयाँ साथीले भनेका छन् यहाँ नदी छ, नाला छ, जंगल छ, यहाँ बाटो छ, लेकिन यहाँ तो 55-60 लाख को लागि आफ्नो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार गरेर खाने वाला लाइफ में जो भी होता है ना वो किसी वजह से होता है। या तो आपको कुछ बना के जाता है या फिर कुछ सिखा के। Oh,
धन्यवाद उद्घोषक मित्रजू। डुड़वा गांव पालिका के आंदोलन कार्यक्रम में सहभागी नेकपा एमाले केंद्रीय कमेटी सदस्य अरुण हलवाई जी, प्रदेश कमेटी के सदस्य कामरेड लोग नलिया बनाई हुए, तुरे थे पुलिया बनाई हुए, तुआर ये कर पे वो कर पे, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं। उनका सिर्फ नागरिकता पर दस्तखत करो, सिर्फ जगह नाम सारी पर दस्तखत कर दो, इसके बाद उनका कोई अधिकार नहीं। जब हमने उड़ा घर चीज लोग जागे तो आज फोरम के मित्र साथी लोग पुराने कौन गठबंधन के आज गाँव पालिका के रू करते हैं, उन साथी लोग सुने स्थानीय चुनाव में जो आप लोग कहते रहे कि 20 लाख रुपया लेके विजय यादव नरेंद्र चौधरी से मिलकर चुनाव लड़ते हैं, फोरम का हरावे करते हैं। आज साथी लोग सुन लो, फोरम कांग्रेस से मिला है कि नेकपा एमाले कांग्रेस से मिला है, आज प्रश्न आप लोग देख लो क्या मिला है। हम तीन आते उन्होंने कहनो हम कोई का आज हम ही टूरो गांव पालिका को प्रतिक्रिया को हम इंतजार करो आज टूरो गांव पालिका को गांव सभा वालों को रहे को छा यो टूरो गांव पालिका को गांव सभा में हम नागर सम्मेलन मारे मरे हम यो कमिटी ले उठा कार्यालय बनाने छा तो पारो का सभा वाला में खबर करे छा हम आंदोलन को कार्यक्रम निरंतर रहने को जानकारी कराओ नहीं संपूर्ण दाल भाई तब आती दी बनी रहो आपको बस इतना लाती लोग लगे आती हो तो नहीं यो कार्यक्रम ही सभा बंद मरे को बचाना चाहो धन्यवाद। कसैसँग टुटेको दिल छ भने भन्नुहोस् है, आधा दिल मेरो छ आधा तपाईँको जोडेर एउटा नयाँ दिल बनाउँला।